हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, आज फिर एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, जो आज का वीडियो होने वाला है उसमें हम कंपैरिजन करने वाले हैं PWM और M50 सोलर चार्ज कंट्रोलर का। लाइव प्रैक्टिकल करेंगे कि कौन सा ज़्यादा आउटपुट देगा और किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। और फ्रेंड्स, जो दोनों ही सिस्टम है उसमें सेम ही पैनल यूज़ किए गए हैं, मतलब कि जन सोलर के 165 वोल्ट के 12 वोल्ट के पैनल यूज़ किए हैं। तो एक तरफ हमने SMU लगा रखा है और एक तरफ हमने UTL गामा प्लस लगा रखा है। तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे आउटपुट का, लोड का, सबका। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि फ्रेंड देखिए, हमारा जो PWM SMU है उस पर चार सोलर पैनल लगे हुए हैं। इनमें से प्रत्येक पैनल 165 वाट का है तथा जन सोलर का पैनल है और 15-20 डिग्री एंगल पर ही यह लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो हमारा नॉर्मल इन्वर्टर है उसको हमने SMU की सहायता से एक सोलर इन्वर्टर में बदल रखा है। और यहाँ पे आप देखिए, सोलर से आने वाले आदि एम्पियर और वोल्टेज हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, जो मैक्सिमम रीडिंग होगी वही लेंगे। ये हमारा इन्वर्टर है, इसको हमने SMU की सहायता से एक सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर रखा है। ये हमारा एक नॉर्मल इन्वर्टर है जो कि माइक्रोटेक का इन्वर्टर है और इस पर माइक्रोटेक की ही बैटरी लगी हुई है। तो फ्रेंड, इसकी रीडिंग ले लेते हैं एक बार हम। देखिए यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज और एम्पियर है 12.5 वोल्ट और 16.5 एम्पियर आ रहे हैं। तो लगभग जो इसका आउटपुट होगा टोटल वो आएगा 206.25। यहाँ पे चार सोलर पैनल का टोटल आउटपुट आया 206.25। यदि हम प्रत्येक पैनल का आउटपुट यहाँ से निकालते हैं तो 206.25, यहाँ पे चार पैनल है हमारे पास 165 वाट के, तो एक पैनल का आउटपुट आएगा लगभग 51.56 वाट। तो जो हमारा SMU है, PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर है, ये लगभग इसमें एक 165 वाट का सोलर पैनल 51.56 वाट एनर्जी दे रहा है जब हमने PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर यूज़ किया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जो हमारे चार सोलर पैनल लगे हुए हैं उनमें से प्रत्येक पैनल 51.56 वाट एनर्जी दे रहा है। तो इस प्रकार ये काम कर रहा है। अब हम MPPT की भी परफॉर्मेंस देखने वाले हैं कि वहाँ पे हमें कितना वाट मिलेगा पर पैनल के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे 6 पैनल लगे हुए हैं हमारे पास। तो चलते हैं अब MPPT पर और लास्ट में डिफरेंस भी बताऊंगा दोनों की एनर्जी में कितना डिफरेंस आया है। सेम ही टाइम पर रीडिंग ली गई है दोनों की। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा सिस्टम है जिसमें 6 सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये भी 165 वाट के और वही 15-20 डिग्री के एंगल पर लगे हुए हैं। जन सोलर के पैनल है और यहाँ पे हमने दो दो पैनल की सीरीज बना रखी है, क्योंकि जो हमारा चार्ज कंट्रोलर है वो MPPT है। तो MPPT में आपको 24 वोल्ट के सोलर पैनल लगाने हैं सिंगल बैटरी पर भी। और यहाँ पर देखिए, मैं परफॉर्मेंस भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर अभी 14 वोल्ट पर हमारी बैटरी है, लगभग फुल चार्ज है। तो यहाँ पर बहुत कम एम्पियर लेगी, 1-2 एम्पियर लगी जब भी बैटरी फुल चार्ज होती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए सोलर से आने वाले वोल्टेज और एम्पियर एक बार देख लेते हैं। 32% लोड चल रहा है लगभग यहाँ पे और 34.6 वोल्ट आ रहे हैं, क्योंकि लोड अभी कम चल रहा है इसलिए एम्पियर भी कम आ रहे हैं, 13.9। अब हम थोड़ा लोड और बढ़ा देते हैं, उसके बाद एम्पियर की रीडिंग लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हम धीरे धीरे इसमें लोड बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा, तो और ज़्यादा रीडिंग आएगी फिर एम्पियर की। तो देखिए, हमने थोड़ा लोड और इंक्रीज़ कर दिया है इस पर। तो यहाँ पे देखिए, अभी एम्पियर बढ़ेंगे और ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर 29 वोल्ट रह जाते हैं जब फुल लोड चलाता हूँ मैं। तो 32% लोड चल रहा है अभी करंट में और देखिए 33.3 वोल्ट आ रहे हैं, 13.4 एम्पियर सोलर से आ रहे हैं। अभी और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं ये, धीरे धीरे लोड बढ़ाएंगे हम और ज़्यादा, क्योंकि लोड बढ़ाने पर एकदम से एम्पियर नहीं बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 14 वोल्ट पे हमारी बैटरी है, लगभग फुल चार्ज है, 2.5 एम्पियर से चार्ज हो रही है क्योंकि ये फ्लैट स्टेट में है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए 250 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी आउटपुट की है अभी। और यहाँ पे हम आउटपुट की बात करें तो देखिए, यहाँ पे जो IT मोड था वो भी मैंने ऑफ कर दिया है, अब इसका आउटपुट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और देखिए, मेंस अभी नहीं आ रही क्योंकि मेंस मैं कट कर देता हूँ, दिन में कभी भी यूज़ नहीं करता मेंस। तो मेंस यहाँ पर कट की हुई है और थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखिए 34% लोड चल रहा है अभी, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे एम्पियर भी बढ़ेंगे। देखिए 32 वोल्ट और 14.1 एम्पियर आ गए, अभी और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं क्योंकि लोड हमने और बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, फाइनल आउटपुट जो इसका आने वाला है 13.7 वोल्ट, बैटरी वापस से चार्ज होने लगी है।
और यहाँ पे देखिए लगभग 33% लोड चल रहा है और 31.4 वोल्ट रह गए हैं और 14.6 एम्पियर आउटपुट में दे रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो हमारा MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है ये 14.6 एम्पियर और 31.4 वोल्ट दे रहा है। तो यहाँ पे हम इसकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग आती है 458.44। यदि प्रत्येक पैनल की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी, प्रत्येक पैनल यहाँ पे अगर 6 का भाग दे देंगे तो 26 ये देगा लगभग 76.40 वाट, और जो PWM है वो दे रहा था 51.56 वाट। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 24.84 वाट ज़्यादा एनर्जी देगा MPPT।